हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन नो द डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम तो बर्ड्स देखने जा रहे हैं जी मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोला क्या गया है भैया, थ्री रॉड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन जॉइंड एज शोन इन द फिगर। ईच रॉड इज ऑफ सेम लेंथ। The left and right ends are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. The temperature of junction of the three rods will be. यहाँ पर डायग्राम दे रखा है भैया, यहाँ पर तीन रॉड्स को हमने ज्वाइन किया है और इधर मेरे पास है 0 degree Celsius। दोनों एंड्स में क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं आज की वीडियो में, बिना कोई देरी किए। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं और जो हमारे पास डायग्राम दे रखा था उसको भी बना लेती हैं और हमसे जो पूछा गया था उसको भी लिख लेती हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं। ठीक है, तो बस दे क्या रखा है भैया, हमारे पास दे रखे भैया तीन रॉड्स के यहाँ पास बात की गई थी। ठीक है, इन तीन रॉड्स के बारे में हम कुछ डेटा दे रखा है भैया। सबसे पहली बात है सेम मटेरियल भैया तीनों का सेम है। अब मटेरियल सेम होने का मतलब क्या हो गया भैया, ध्यान रखना मटेरियल सेम होने का मतलब डेंसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी सेम हो गई। ठीक है, मटेरियल जब सेम बोला तो ये चीजें सेम होती हैं। दूसरी बात सेम क्रॉस सेक्शन, मतलब कि क्या है कि इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए वो सेम है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब वहाँ पास जो तीसरी बात है वो क्या भैया, सेम लेंथ भी सेम कर दी तो मतलब एल भी सेम हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब वहाँ पास जो डायग्राम दे रखा उसको बना लेते हैं, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास को टेम्परेचर होगा लेट्स से टी, वो हमें बताना भी है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ये टेम्परेचर कितना होगा टी। ठीक है, बस तो देखिए हमें पता है कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आइसोलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम बाहर की चीजें नहीं देखते, जो क्वेश्चन में पास गिवन है उसी को हम देखती है। तो ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो मैं लिख भी देता हूँ एजम्पशन क्या है भैया, एज्यूमिंग सिस्टम इज आइसोलेटेड, जो सिस्टम है ना वो आइसोलेटेड है, मतलब कि ना तो कोई बाहर जा रही है ना कोई अंदर आ रही है। ठीक है, ये समझ आना, जैसे कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या भैया, आइसोलेटेड हो गया ना, तो टोटल इनकमिंग हीट एक साइड से भैया, टोटल जो इनकमिंग हीट होगी एक साइड से वो भैया क्या हो जाएगी, इक्वल होगी टोटल आउटगोइंग हीट के। अगर कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है इस सिस्टम के अलावा, तो जो ये देखिए यहाँ से जितनी भी टोटल इनकमिंग हीट जाएगी इधर की तरफ उतनी क्या हो जाएगी, वो टोटल आउटगोइंग हीट होगी। मतलब कि क्या, ये 90 डिग्री सेल्सियस है ना और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से हीट क्या है इधर की तरफ फ्लो होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है इनकमिंग, इसके पास तो आ रही है ना और इससे क्या जा रही है, तो ये आउटगोइंग हीट टोटल मिला के यहाँ पर क्या होगी, इनकमिंग हीट बराबर होगी, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ से हीट फ्लो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या आपको अगर इतना पॉइंट समझ आ गया तो हीट फ्लो आपके पास होता है क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। ये फॉर्मूला भैया आपको याद रखना होगा, इसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं है, छोटे छोटे बातें हैं जो आपको याद रखनी ही पड़ती हैं जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या क्या नोटेशन है, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब हमने आपको बताया ना, मैंने आपको डायग्राम पहले क्या बताया था, तो यहाँ से क्या है भैया टोटल जो है हीट यहाँ से हमारे पास आउट हुई, मतलब जा रही है ना इन टेम्परेचर को बता भैया, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट फ्लो करेगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या है जो क्यू है, जो डी क्यू ओवर डी टी होगा ना। ठीक है, यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी होगा, तो यहाँ से लेकर हीट यहाँ फ्लो होगी तो डी क्यू ओवर डी टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भैया इस पॉइंट पे देखो तो भैया हीट इधर आ रही है तो इनकमिंग है, और इधर से मैं देखो तो भैया यहाँ से जा रही है दोनों तरफ से हीट, तो ये क्या आउट गोइंग है, तो टोटल आउट गोइंग टोटल इनकमिंग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या था ये था ना, तो हीट फ्लो क्या हो जाएगा क्यू की जगह हम लिखेंगे के इंटू में ए इंटू में, देखिए यहाँ पर बस जो है टेम्परेचर कितना है फाइनल जीरो है, तो यहाँ पर जीरो माइनस में टी करेंगे अपॉन में क्या हो जाएगा एल, आइडेंटिकल है ये सब चीजें, इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू में टी माइनस 90 आप करेंगे अपॉन में एल प्लस में के इंटू ए इंटू में टी माइनस 90 आप करेंगे अपॉन में एल। अब ये टी माइनस आई टी क्यों कर रहा है, जीरो माइनस टी क्यों कर रहा है, इसको देख लेते हैं। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप इधर से इधर आ रहे थे तो आपको क्या बताया कि भैया ये इनिशियल है और ये फाइनल यहाँ पर टेम्परेचर है, तो टी में से हम 90 को माइनस कर रहे हैं, और जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं तो हमें पता है भैया क्या कि ये फाइनल और ये इनिशियल है, तो जीरो में से हम टी माइनस कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं ये लॉजिक बना के। दूसरी बात अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कैसे भी, तो आपको एक फ्लोर पकड़ना है, या तो आप एक देखिए कि इधर से इधर चल रहे हैं तो 90 में से आप टी माइनस करेंगे तो फिर टी में से जीरो को माइनस करना होगा, या फिर अगर आप कर रहे हैं जीरो में से टी माइनस तो फिर आप टी में से 90 को माइनस करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा जीरो में से टी को करा तो टी में से फिर 90 को माइनस करिए। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं तो आपको आंसर में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपको उसको लॉजिक बता दिया कि भैया मैंने क्यों ऐसा किया है, पहले आपको लॉजिक बता दिया। ठीक है, तो आप उस लॉजिक से भी समझ सकती हैं और आपका कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो देखिए एल एल यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो ये कट जाएगा, के यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो ये भी कट जाएगा, तो बचा गया मेरे पास
माइनस के टी इज इक्वल टू में टी माइनस 90 प्लस में टी माइनस 90। तो यहाँ से अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ ओवरऑल मिला के तो मुझे यहाँ से मिलेगा टी की वैल्यू 60 डिग्री सेल्सियस और यही मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो डाउट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो सलीसर मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए बड़ा छोटा सा करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ले आना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट को जगह से। टिल देन बाय बाय टाटा।